हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक पार्टी वेयर पर्स लेकर आई हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर लिया है। बॉर्डर से मैचिंग जो इसमें कलर था, थोड़ा सा यहाँ पे साड़ी कट करने के बाद जो बचता है, तो उसी मैचिंग से मैंने ये साड़ी का दूसरा सिल्क कपड़े का ये दूसरा मैंने सिल्क पीस ले लिया। और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद इसको फ्यूजिंग पेपर के साथ पेस्ट कर दिया। इतना मैंने हटा दिया जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे ये, बाकी इसमें मैंने फ्यूजिंग पेपर के साथ इसको पेस्ट कर दिया है जिससे कि ये पूरा चिकना हो गया है। फिर इसके नीचे मैंने ये फोम शीट लगाई है, फिर एक लाइनिंग का शीट लगाई है। तो इसमें आज हम बहुत ज़्यादा क्विल्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विल्टिंग करने से फिर जो पर्पज़ हमारा रहता है वो कभी कोई पसंद नहीं आता, वो क्विल्टिंग का काम। तो इसको हम पार्टी वेयर की तरह बनाएंगे, तो पार्टी वेयर की तरह बनाएंगे। इसमें आज कोई खास क्विल्टिंग हम नहीं करेंगे, क्विल्टिंग करेंगे लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा जोड़ है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैचिंग का कपड़ा डाल करके इसको जोड़ लगा दिया है, और प्रेस करके और यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन दे दिया है कि मतलब जो बॉर्डर है उसकी सिलाई इस तरह से कर दी कि यहाँ पर जोड़ पता नहीं चलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं। तो इसकी जो क्विल्टिंग है हम उसी तरह से इसकी क्विल्टिंग भी करेंगे। तो अब जोड़ हमारा यहाँ पर है, तो सिलाई इसकी हम यहाँ पर इस तरह से एल शेप में करेंगे। अभी हमने एल शेप में कर दी। अब ये जो जोड़ दिया है इस पर मैचिंग कलर के धागे से, देखिए यहाँ पर मैचिंग कलर का धागा चलाया है तो पता नहीं चल रहा है। तो अब इसी पर एक मशीन और चला देंगे तो जोड़ भी मजबूत हो जाएगा और हमारी क्विल्टिंग भी हो जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पर जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो धागा रेशा छोड़ने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर दबाना जरूरी था। अब एक आखिरी सिलाई यहाँ पे कर देंगे। इसको करने के बाद अब इस साइड से भी इसको हम दबा देंगे। अब इसका जो हमें मेन पीस चाहिए वो हम लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच, 7.5 इंच, और इधर से 9.5 इंच। ये हमने लाइन खींच ली, ये 7.5 आ गया और ये 9 इंच आ गया। अब ये जो लाइन खींची है इस पर एक फाइनल मशीन चलाएंगे, उसके बाद कट करेंगे। अब ये हमारी क्विल्टिंग हो गई। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक पीस और रेडी करके रखा हुआ है। अब इसमें हम आगे काम करेंगे, यहाँ पर एक शेप देंगे। शेप के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच विड्थ है इस पेपर की, और ये पूरा 7.5 इंच है इस तरह से। अब इस पर हम एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम पार्टी वेयर बना रहे हैं तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। इसमें यहाँ पर एक इस तरह से शेप देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया। अब ये जो पीस है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। तो ये 7.5 मैंने पेपर पूरा ले लिया था, इसलिए इसको हमको रखने में या सेंटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसको इस तरह से रखना है और इसको यहाँ चौक से ड्रॉ कर लेना है। और अब इस पर हम मशीन चलाएंगे। अब इसको सिलाई के बाहर से कट कर देंगे। अब ये हमने कटिंग करके रख ली। अब इसके बाद यहाँ पर एक जिप लेंगे और एक लाइनिंग का पीस। तो हमने यहाँ पर लाइनिंग जो है ये इस तरह से लिया है, ये 7.5 इंच इधर है और 7 इंच इधर है, हमने ये पूरी लाइनिंग नहीं ली है। तो सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। जिप को बाहर निकालते हुए पूरा लाइनिंग को सीधा कर देंगे, जिप को सीधा कर देंगे, पीछे कोई पीस को सीधा कर देंगे, और यहाँ पर 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर छोड़ते हुए यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे, और यहाँ पर, और यहाँ पर दाब मशीन चला देंगे। दूसरा पीस लेंगे सेम प्रोसीजर में, लाइनिंग लगा करके दाब मशीन चला देंगे। अब
अब इसमें एक रनर डाल देंगे। रनर को बीच में रखते हुए इसमें हम एक मोतियों का हैंडल लगाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए बड़ी सुई, जितने धागे हैं उनको आधा आधा कर लें, सुई में डालें और यहाँ किनारे पर इसको एक धागा जिप के एक साइड से निकालें और जो दूसरा धागा है जो मोतियों की लड़ में रहता है वो जिप के दूसरे साइड से रहेगा, इस तरह से। यहाँ पर हमारी जिप भी बंध जाएगी और हैंडल भी लग जाएगा। अब यहाँ पर हम मजबूती के साथ इसमें नॉट दे देंगे। ये नॉट देने के बाद थोड़ा लंबा धागा रखते हुए कट कर देंगे। इसी तरह से जो इसका दूसरा सिरा है, दो धागे हैं, जितने धागे हों यहाँ पर, क्योंकि कई लड़की भी मोतियाँ डाली जाती हैं, हैंडल बनाए जाते हैं, तो जितने धागे हैं उनको इस तरह से हाफ एंड हाफ करके और इसको तैयार करना है। तो जितनी दूरी पर यहाँ हमने इसको बांधा है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर सेम प्रोसीजर में बांध देंगे। अब ये हमारा हैंडल भी लग गया। अब इसको लाइनिंग को अलग करेंगे, इसको यहाँ पर मिलाएंगे। अब इसको जो शेप है हमारे पास इसी शेप में सिलना है, इसको हम एक साथ यहाँ पर पिन कर देते हैं। लाइनिंग का जो बॉटम का हिस्सा है अभी उसको हम नहीं सिलेंगे, यहाँ से डबल मशीन देते हुए इसको पूरा इस तरह से डिज़ाइन देते हुए यहाँ तक डबल मशीन चला देंगे। और अंदर मोती हैं उनका ध्यान रखना है कि वो बीच में सिलाई करते समय ना आए। अब इसको हम कट कर देंगे, इसके कॉर्नर यहाँ पे कट कर देंगे। पिन निकालेंगे और इसको अब सिर्फ खोलते हुए सीधा करेंगे। अब जो लाइनिंग है उसको नीचे से हम बंद कर देंगे। इसको अंदर कर देंगे। अभी ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब इसमें हम अगला काम करेंगे, बड़ी सुई में धागा लेंगे, डबल टसल लेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ मोती लिए हैं। तो अब इस टसल को तो आप लोग सभी लोग बनाना जानते हैं, इसको इस तरह से रेडी करना है। हाफ एंड हाफ करेंगे, अंदर से निडल निकालते हुए ऊपर ले आएंगे और जो यहाँ बीच में बांधा जाता है उसमें इसको एक बार नॉट दे देंगे। अब इसमें हम मोतियाँ डालेंगे, तो जो भी रंग बिरंगी मोती घुंघरू आप डालना चाहें सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। को हमने यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लिया। ये देखिए ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इसके जो बॉटम है यहाँ से हम इसको सेंटर में पास करेंगे और वापस उन्हीं मोतियों में से टर्न हो जाएंगे, नीचे तक आ जाएंगे टसल के पास तक, लास्ट मोती में निकाल लेंगे। अब बहुत टाइट नहीं रखना है, थोड़ा ढीला रखना है जिससे कि ये हिलता डुलता रहे।
और यहाँ पर वापस उसी नॉट पर फिर से नॉट दे देंगे, तो ये पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। अब इसके बराबर रखते हुए इसको कट कर देंगे और ये देखिए झटपट हमारा एक पार्टी वेयर पर्स तैयार हो गया। तो इसमें जो हमने 7 इंच की पॉकेट दी है तो यहाँ तक देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीचे अगर नीचे तक कोई सामान चला जाता है तो निकालने में दिक्कत होती है। मान लीजिए कॉइन ही चला गया या अंगूठी चली गई, जो भी आपने रखा है नीचे चला गया तो उसको निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर यहाँ तक की पॉकेट दी है। अब इसमें आपका मोबाइल वगैरह बहुत आसानी से आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा मोबाइल इसमें चला गया। अब मोबाइल है, चाबी है, हैंकी है, जो रखना चाहें रखें और पार्टी वेयर पर्स इस तरह से रेडी कर लें। मेरे 3 चैनल हैं, एक नंदिनी क्राफ्ट जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा है स्वदेश नंदिनी जिसपे जो मेरा पहले का चैनल है मैं उसमें काफ़ी कुछ बनाती रहती हूँ, तीसरा नया चैनल है आओ कुछ बनाते हैं उसमें मैं क्राफ्ट का काम सिखाती हूँ। उम्मीद है पार्टी वेयर पर्स पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।